मंजू आई जस्ट वॉन्ट टू नो, बिकॉज आपने ना इतना ज्यादा अभी कॉलेज हमारी जिंदगी में दे दिया है, और आई यू लाइक एंड ऑल्सो कि भाई अब हो गया यार, मैंने बहुत कॉलेज दिखा दिया लोगों को, लोगों ने मुझसे बहुत कॉलेज ले लिया। आर यू डन एज एन एक्टर, या फिर आपको अगर और इंटरेस्टिंग रोल मिलते रहेंगे और आप ऐसे ही कॉलेज में बने रहेंगे? जी, एक तो एक सच्चाई ये कि मैं आज तक लाइफ में खुद कॉलेज नहीं गया कभी। मतलब तो मैं कोई उस लिखने चक्कर में ना, देता जब भी कोई स्क्रिप्ट में कॉलेज आता है ना, तो मैं उस चक्कर में ले लेता हूँ यार, नहीं यार कॉलेज देखने को मिलेगा, उसकी लाइफ जीने के लिए मिलेगी। और वहाँ का क्राउड, सब कहते थे यार वहाँ का क्राउड बहुत अमेजिंग होता है, और गर्ल्स एकदम टिप टॉप बन के आती हैं, लड़के कौन ऐसे सी आते हैं यूनिवर्सिटी में क्या शूशां करते बाइकों थे, पे। कहाँ क्या जाना था पढ़ने के लिए कह रहे हो भाजी? कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते थे आप पढ़ने के लिए, या कौन सी जी? जगह पे दिल्ली आपको? दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं गया भी था एडमिशन के लिए, पर उन्होंने कहा आपको शर्म नहीं है कि आप तुमसे ना हो अपनी पाएगा, परसेंटेज देख तुमसे के ना नहीं हो आए पाएगा। ना? तो फिर जाना मैंने कहा ठीक है, मैं तो हार्वर्ड कुछ कर था, नहीं सकता। पांच हिलवुड गए थे। पर एक बात है, अच्छा मैं गया था कॉलेज। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक कॉलेज गया मैं, उन्होंने मुझे मना कर दिया मुंह पे कि नहीं सर आपकी परसेंटेज नहीं है तो हम नहीं ले सकते आपको। तो मेरे को ना थोड़ा पिंच कर गई बात, ठीक है मतलब नहीं ले रहे कोई बात नहीं। फिर 1-2 साल बाद मुझे वहां से इनविटेशन आया एज अ चीफ गेस्ट सेम कॉलेज से। उफ उफ यहाँ पूरे क्राउड ओह में आई लव क्राउड दिस, में खड़े लव वेयर दिस होके, इज गोइंग। आप यार उस उस कॉलेज क्राउड में में आके बोला खड़े कि नहीं होके मैंने वो तुमको डायलॉग मारा। तुमसे लिया हाँ नहीं? बोला मैंने, बोला मैंने, मैंने कहा एक दिन मैं इसी लाइन में खड़ा हुआ था और मुझे घुसने नहीं दिया था, और आज मैं इसी कॉलेज में चीफ गेस्ट बन के आया हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो गाइस, इमोशनल मेरे लिए लाइनें लगी पड़ी है। या रेडियो सिटी।